ये कानून आपने खत्म कर दिया। मजदूरों को फैक्ट्री मालिक जो हैं उनके हवाले कर दिया गया, उनसे 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे कितने भी काम कराएं, कोई रोक टोक नहीं है, उसके लिए कोई भी सुनने वाला भी नहीं है। ठेका प्रथा में होता क्या है, माना किसी काम के लिए आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो कंपनी से 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जो ठेकेदार है उसको मिलेंगे 20, जो एक्चुअल में मजदूर है काम करने वाला उसको मुश्किल से 10 मिलेंगे। दो चार पूंजीपतियों से सौदेबाजी करना बहुत आसान है, उनके मुकाबले जो करोड़ों लोगों से बात करनी पड़ेगी। सरकार किसानों से जो है चंदा नहीं ले सकती, लेकिन अंबानी अडानी से चंदा ले सकती है। इस देश को 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित करने की इनकी जो योजना है सारी कार्रवाई उसी के तहत हो रही है, पूरे देश को उसी के तहत बेचा जा रहा है। जिवें कि लुधियाना किसानी महापंचायत रखी गई है, एडवोकेट भानू प्रताप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने अगे भी तुसी काफ़ी इन्हों किसानी बारे गलबात करते देखा होगा, पर अज जो इन्हों की गलबात हुई वो किसानों की नालों नाल जो है मजदूरों वास्ते जो लॉज आ रहे हैं उन्होंने बारे गलबात हुई है, उन्होंने गलबात की करते हैं। अज का मुख्य विषय से जो मजदूरों वास्ते कानून आ रहे हैं, तुसी पूरे एक्सपीरियंस भी हो, ताडा इहदे होल्ड भी है, की ने वो लॉज क्यों जो है मजदूरों वास्ते जो है कह सकते हैं भी काले कानून, जिवें किसानों वास्ते काले कानून से या मजदूरों वास्ते काले कानून किदां हो सकते हैं? देखिए किसी भी इंसान के विषय में आप सोचिए, आप अगर जीवन जीने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे आप कहीं भी आ जा सकें, आपको अगर कुछ भी पढ़ना है पढ़ सकें, आप कोई भी पेशा करना चाहते हैं कर सकें, तरक्की करना चाहें कोई रुकावट ना डाले, सरकार उसमें आपकी सहयोगी हो, ये जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं, कहीं भी इसमें अड़ंगा ना लड़ाया जाए। ठीक इसी तरह से मजदूरों के साथ में क्या है कि मजदूर किसी भी कंपनी में किसी भी फैक्ट्री में काम करता है तो उसके जीवन जीने के उसमें वहाँ काम करने के कुछ सिद्धांत हैं, कानून बनाए गए थे। उसमें सबसे बड़ा ये है कि न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, ये कानून था, निश्चित होना चाहिए कि ये मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में आप देख क्या रहे हैं, सरकार सारी चीज़ों को जो है मजदूरों की जो भर्ती वो करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे करती है, ठेका प्रथा जिसे बोलते हैं। ठेका प्रथा में होता क्या है, माना किसी काम के लिए आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो कंपनी से 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जो ठेकेदार है उसको मिलेंगे 20, जो एक्चुअल में मजदूर है काम करने वाला उसको मुश्किल से 10 मिलेंगे। तो ये जो 10 हैं ये 10 कहाँ गए, ये 10 चले गए उस ठेकेदार के पास, और ठेकेदार इन 10 को खाएगा नहीं अकेला, इन्हें भी बांट के खाएगा। कौन बांटेगा, ठेकेदार और सरकार ये बांट के खाएंगे, क्योंकि कानून तो वही लाती है। तो जो ठेका प्रथा की जा रही है, इस ठेका प्रथा से सबसे बड़ा मजदूर को नुकसान ये हो रहा है, जिस काम के लिए जितना वेतन उसे मिलना चाहिए नाम से आ रहा है उसे नहीं मिल रहा, ठेकेदार खा रहा है बीच में। एक बात, दूसरी बात, एक मजदूर को यह हक है कि उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, किसी भी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा कोई चोट वोट लगे उसका उसको मुआवजा मिलना चाहिए, कोई भी दुर्घटना उसके साथ में हो जाए उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको उसका पीपीएफ वगैरह जो है वो कटना चाहिए, ईपीएफ जो बोलते हैं प्रोविडेंट फंड जो है वो कटना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो कानून लाए हैं ये कानून, वो जो फैक्ट्री के कानून हैं अगर वो चलते रहते तो ये सारी चीज़ें होती रहती, ईपीएफ भी उसका कटता रहता, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी मिलती, प्रेग्नेंट लेडी अगर मजदूर है तो उसको छुट्टी भी मिलती है और छुट्टियों की तनख्वाह भी नहीं कटती, और 8 घंटे से ज़्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते। अब हो क्या गया, ये कानून आपने ख़त्म कर दिया, मजदूरों को फैक्ट्री मालिक जो हैं उनके हवाले कर दिया गया, उनसे 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे कितने भी काम कराएं कोई रोक टोक नहीं है, उसके लिए कोई भी सुनने वाला भी नहीं है। सरकार से गुहार लगाओ, किसी डिपार्टमेंट से आप बात करो, कोई सुनने वाला नहीं, अदालत कोई सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उससे जो है लड़ने का, ट्रेड यूनियन बनाने का सारे हक छीन लिए गए हैं। अब उससे चाहे जितना काम कराओ, और उसके लिए उससे जितनी चाहे आप तनख्वाह दो, जैसा मैंने ठेके प्रथा के माध्यम से आपको बताया। तो ये जो उसके मूलभूत हक थे इन कानूनों के माध्यम से छीन लिए गए, और उनको पूरी तरह से जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो कंपनी ओनर हैं, उनके हवाले कर दिया गया है।
ये पूरी तरह से न केवल गैर मान मतलब ये मानवता के विरुद्ध हैं, बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक। सरकार ऐसे कानून क्यों लेकर आ रही है, पहले किसानों में अब मजदूरों में? सरकार इसलिए लेकर आ रही है कि सरकार पूरी तरह से इस देश के पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अब आप कहेंगे पूंजीपतियों के लिए काम क्यों कर रही है? दो चार पूंजीपतियों से सौदेबाजी करना बहुत आसान है, उनके मुकाबले जो करोड़ों लोगों से बात करनी पड़े। सरकार किसानों से जो है चंदा नहीं ले सकती, लेकिन अंबानी अडानी से चंदा ले सकती है नहीं है? दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा इनका एजेंडा है वो है हिंदू राष्ट्र का एजेंडा। इस देश को 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित करने की इनकी जो योजना है, सारी कार्रवाई उसी के तहत हो रही है। पूरे देश को उसी के तहत बेचा जा रहा है, और बेचा भी चंद लोगों के हाथ में जा रहा है, जिनमें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट हो, चाहे आपके बंदरगाह हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपके कोयला हो, सारी चीज़ें किसके हाथ में जा रही हैं? अडानी के हाथ में। ये जो किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए हैं, इनसे सबसे बड़ा फायदा किसको होना है? कौन है जो बल्क में इस सबको इकट्ठा करके रखेगा? अडानी, उसके ही बड़े बड़े साइलो बने हुए हैं लगातार, जो उस पर काम हो रहा है। और ये काम यहाँ तक हो रहा है कि साइलो जो बना रहे हैं अडानी की कंपनी, 2025 तक 25 लाख मीट्रिक टन अनाज उसमें वो अपने गोदाम में रख सके, इतने बड़ी स्तर पर काम हो रहा है। ये है उनकी सारी नीति। और बाकी दूसरा कौन रहेगा? वो रिटेल में जो काम करेगा वो होगा अडानी। तो दो चार उद्योगपतियों से डील करना, उनसे अपनी पार्टी के लिए फंडिंग लेना, उनसे रिश्वत लेना, ये बहुत आसान है करोड़ों लोगों से डील करने के बजाय। इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और दूसरा क्यों किया जा रहा है? जब लोगों को आप गुलाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन काम आपको करने पड़ेंगे। नंबर एक, आप एजुकेशन ख़त्म कर दीजिए। और आप देख रहे हैं आज की तारीख में एजुकेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, या एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया गया है। तो प्राइवेट में कौन पढ़ा सकेगा? जिसके पास पैसा होगा। जो मेडिकल फीस लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में मेडिकल एक साल का वो होता था, आज की तारीख में 10-10, 15-15, 20-20 लाख हो गया। और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप जाओ तो 1 करोड़ से कम में बच्चे की मेडिकल नहीं होती, तो किसके पास है 1 करोड़ रुपया? गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? और MD करानी हो तो आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा की स्थिति आ रही है, कहाँ से होगा ये सब कुछ? ये इसीलिए कि जो एजुकेशन है उसको इतना महंगा कर दो, और सरकारी एजुकेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, ताकि जो गरीब है वो पढ़ नहीं पाएगा तो जान नहीं पाएगा तो जो भी होता रहेगा सर झुका के उसे स्वीकार करने के अलावा दूसरा नहीं है। दूसरा, लोगों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर आप कर दीजिए कि लोग खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सके। हिंदू राष्ट्र की आपके ने बात की, क्या नुकसान हो सकता है अगर बन जाए तो? नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाओगे आप? इस देश में क्या हिंदू रहते हैं? इस देश में हिंदू भी रहते हैं, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, दुनिया भर का व्यक्ति यहाँ पर रहता है। केवल हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जाए? और हिंदू राष्ट्र भी दिखाने के लिए है, हकीकत में जो बनाना है वो मनुवादियों का मनु राष्ट्र बनाना है, मनुस्मृति लागू होनी है, और ये चंद लोगों के लिए है। इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि 20-50 करोड़ लोगों के लिए, मुश्किल से जो गिनती पर आप गिन सको उन लोगों के लिए राष्ट्र बनाया जा रहा है। नाम हिंदू का दिया जा रहा है, पर उसके पीछे षड्यंत्र का है मनुवाद, यानी मनुस्मृति को मानने वाले, उसे लागू करने वाले जो चंद लोग हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। और बीजेपी आरएसएस इसी तरह से काम करती है कि शब्द ऐसा दो जो बड़ा लगे, जिसके भ्रम में सब आ जाएं, और काम कुछ लोगों के लिए करो, ये है कहानी। कल जो मलोड में जो हमला हुआ, अरुण नारंग पर हमला हुआ, अरुण नारंग MLA पे हमला हुआ, वो कह रहे हैं हमारे पर किसानों ने हमला किया है। देखिए, मुझे उसके विषय में मालूम नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैं उसके विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी का हम विरोध कर रहे हैं, इस पूरे किसान आंदोलन में दो चीज बहुत जबरदस्त है। नंबर एक, हमने शांतिपूर्वक विरोध किया हमेशा। नंबर दो, हमने बहिष्कार किया है। ऐसे जो भी लोग हों, नेता, MLA, MP, मंत्री, जो भी हैं, मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा, किसी के साथ मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कीजिए, आप शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए। एक बार व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होगा, मैं समझता हूँ इतनी सजा उसके लिए काफ़ी है।
डेडलॉक बन गया, 4 महीने कल पूरे हुए हैं, डेडलॉक बन गया है, ना इधर कोई बात हो रही है ना उधर कोई बात हो रही है। लोग ही आप कह सकते हो भी आपके पास पूरी परफेक्शन है, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? कानून के नजरिए से भी कानून वापस होंगे क्योंकि गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक काम किया है सरकार ने, कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, तारीख तो नहीं मैं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये कानून वापस होंगे जरूर। हो सकता है सरकार पे पंजाब के चुनाव से असर नहीं पड़ता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बीजेपी और आरएसएस का गुजरात के को छोड़ के उनके जो है हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश को हाथ से नहीं जाने देंगे, उससे पहले जरूर इस आंदोलन जो कानून है ये वापस जरूर हो। बंगाल के इलेक्शन का कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बंगाल के इलेक्शन में यही फर्क पड़ सकता है, अगर ईवीएम में बेईमानी करके बीजेपी जीत गई तो ये दिखाना चाहेगी कि देखो किसान हमारे साथ में, लोग हमारे साथ में, नहीं तो हम जीत कैसे जाते अगर देश हमारे विरोध में होता, ये दिखाना चाहेगी। और इसीलिए वो जीत और कोशिश कर रही है उसकी, लेकिन अगर ईवीएम में बेईमानी नहीं हो तो बीजेपी वहाँ जीत नहीं सकती। धन्यवाद जी आपका, थैंक यू।